अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस हफ़्ते मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ मलम जब्बा में, जो कि बेंगोरा से 2 घंटे आगे है। वहाँ जाके मुझे बहुत सरप्राइज़ लगा कि वहाँ पे पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल मौजूद था, बहुत खूबसूरत चीज़ें मौजूद थी। फिर मैंने कुछ फेसबुक पे फ़ोटो या वीडियो लगाई तो मुझे किसी ने राबिया बख्तावर के बारे में बताया कि जी वो यहाँ पर बहुत एक्टिविटी काम कर रही हैं। फिर मैंने कनेक्ट किया उनसे, उनके हस्बैंड से, उन लोगों ने कनेक्ट भी कर लिया और आज इत्तेफाक है कि हम उनके साथ बैठ के चाय भी पी रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि राबिया की स्टोरी सुने कि वो सारे पाकिस्तान मुल्क छोड़ के बाहर जाने के चक्कर में लगा हुआ है, ये मुल्क से वापस आ गई, तो ये क्या चक्कर है कि इन्होंने क्या किया। राबिया जो है वो पाकिस्तान से बाहर पैदा हुई, इनसे इनकी स्टोरी सुनते हैं। जी राबिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो राबिया थोड़ा सा अपनी स्टोरी सुनाएं, कहाँ पैदा हुई, कहाँ बड़ी हुई, क्या पढ़ाई करी और यहाँ कैसे आ गई? फ्रांस में थी, देन आई वेंट टू कनाडा, वहाँ से मैंने अपनी जो डिग्री है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की कंप्लीट की अमेरिकन यूनिवर्सिटी टोरंटो, और उसके बाद आई वेंट टू लंदन टू कंप्लीट लॉ स्कूल, और उसके बाद देन आई गॉट अ ग्रेट जॉब इन बॉस्टन, तो लॉयर बन गई। एज अ लॉयर became a lawyer and I was practicing, I was representing survivors of sexual abuse in Boston. वो भी मर्दों के लिए? मर्दों के लिए, yeah, it's a sector people don't talk about. ये एक ऐसी taboo है, even in places like America, people don't want to talk about the male victims. Me too, male के लिए? Exactly. Double M me too. Exactly. हमें पता नहीं है इस चीज के बारे में, but it's pretty like, unfortunately, places like boarding schools and institutes are havens for predators. I did that for 4 years and it was fine. लेकिन जैसे हम लोगों ने अभी आपको मैंने बताया earlier that I was just like, there was always like a desire that I wanted to do something for my motherland. Now mind you, I've never lived in Pakistan. I've the only affiliation I have with this country is that my parents are both from here. But it struck me that all the talent leaves. Pakistan is a mess in so many ways, but a big cause of that is because people want the easy route. They want to go to a place that gives them opportunities, and then they earn money and they get into that process. But I desire something a little bit more. Like I've always prayed for more satisfaction, and I think that I had this desire and I took this step. I came to Pakistan in 2018 and I found this project in Malam Java, and I thought that this was a great way to give back to my Canadian start, but I had no plans initially. I came here with just a desire to contribute in some way. I've had access to the world's best education. I've worked in some of the world, you know, wonderful jobs with wonderful salaries, but that's not everything. Because I believe, Rehan, that if we as Pakistanis living in the diaspora don't take an interest in rebuilding our country, then who will? No one else will. And you'd be surprised at the opportunities you'll find here. It's not as bad as people think, say it is. अच्छा, तो अब आप मलम जब्बा में सैमसन ग्रुप के लिए CSR को लीड कर रही हैं, वहाँ की कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं जिस पे काम होने वाला है मलम जब्बा के इलाके में? क्योंकि फ़िलहाल आपने बताया कि आप मलम जब्बा के ज्यूरिस्डिक्शन में इसलिए काम करना चाहती हैं कि वो आपको एक्सेस दी गई है, आप उस पर काम करना चाहती हैं, तो क्या क्या 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोग आपकी मदद कर सकते हैं? देखिए, बहुत कुछ है। मालूम जो है एक ऐसी कम्युनिटी है ना, दैट वाज डिस्ट्रॉयड। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द रीजन, लेट मी जस्ट टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट इट। उर्दू में बताएं जाके अंग्रेजों को खराबी ना पता चले। मेरी इंग्लिश नहीं नहीं एक्सप्रेशन बहुत अच्छी है। I'll attempt. तो मालम जब एक ऐसा एरिया था जो हिप्पी ट्रेल था हिस्टोरिकली, यहाँ पे गोरे आते थे और स्कीइंग करते थे और चिल करते थे और लोगों के घरों में रहते थे यहाँ। अच्छा। तो इतना ओपन और प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी सवाद की। अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि पूरी दुनिया को पता है, एक्सट्रीमिज्म का एक डार्क पीरियड आया जिसमें हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई सवार में, और मालूम जबा तो और भी रिमोट कम्युनिटी है ना अप इन द माउंटेंस, तो द स्कीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डिस्ट्रॉयड एंड द डोर्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड वाज क्लोज्ड, सो दैट अफेक्टेड द कम्युनिटीज इन अ बिग वे, लाइक इकॉनमी, देयर वाज नो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, पीपल स्टार्टेड टू कट डाउन ट्रीज टू जनरेट इनकम अप देयर बिकॉज देयर वाज नथिंग एल्स टू डू। तो हुआ ये कि सैमसन ग्रुप ने 2014 में
easily is land ki, which was a very unwise business decision. Lekin unhone usko leke develop kiya. At the time it didn't look like it was going to be promising, but mashallah se in like 6 years we've developed the resort. It's given opportunities for employment for the locals. The PC now is inshallah going to attract a lot of high-end clientele. And when you ask me about the needs in Malam Jabba, I mean, you name it and we have them. There is no schools, there is no hospital facilities. Doctors and teachers don't want to come there. Heating issues, water issues, bahut issues. So, kaha hum shuru kare aur kaha se khatam kare pata nahi, lifetime hi lag jayega. Lekin hum apna part kar rahe hain. चलें आप जब भी लिस्ट तैयार हो जाए उसमें से 5 आइटम की मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि दीज आर द प्रॉब्लम्स जो हम सॉर्ट एक वक्त में तो एक ही चीज़ कर सकते हैं लोअर हैंगिंग फ्रूट्स देख लेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स का कम है तो डॉक्टर्स के लिए क्या कर सकते हैं हॉस्पिटल तो ओवरनाइट ज़रूरत नहीं है लेकिन छोटा सा एक वहाँ पर फैसिलिटी हो कि डिलीवरी का मसला हल हो या और चीज़ों का हल हो die in childbirth. Yeah. You know, that's just one issue. Women are dying in childbirth because wahan pe facility nahi hai. Aap kahan winter conditions to aur bhi harsh hai. How do you take women to the hospital? So it's just a lot of unnecessary issues that can be resolved. सही अच्छा अब जो लोग स्कीइंग करना आना चाहते हो वहाँ पे तो वो कौन से महीने तक आ सकते हैं Our season starts pretty much from December till middle of March, I would say. That's when the snow is there and the slopes are ideal, especially for expert skiers. हमें beginner slopes भी चाहिए लेकिन expert skiers काफी और बाकी साल वहाँ क्या कर सकते हैं जाके बाकी साल हम डेवलप कर रहे हैं अभी एक्टिविटीज हम लोगों ने माउंटेन बाइकिंग ट्रैकिंग ट्रेल्स डेवलप किए हैं आइडेंटिफाई किए हैं डेवलप कर रहे हैं bonfires and barbecue nights and storytellers ko humne abhi engage kiya hai wo jo traditionally attire mein storytellers baith ke batate hain rubabe wo jo history batate hain thoda sa with cultural touch rubab players we have a lot going on चले तो जितने भी लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं काइंडली राबिया से कनेक्ट करें अपने आइडियाज़ इनको पिच करें डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे मुनाकिद करें फेस्टिवल्स मुनाकिद करें कार्निवल मुनाकिद करें स्वात में हज़ारों होटल्स मौजूद हैं जो कि समर में ख़ास तौर पे भरे होते हैं लेकिन विंटर में बिल्कुल ख़ाली होते हैं और वहाँ पर ये जहन में रखें कि जिसको हम विंटर बोलते हैं यूरोप की वो समर के बराबर होती है हमारी जो विंटर है उसमें भी धूप निकली हुई थी जबकि बड़ी मुश्किल से लंदन में जो है वो धूप निकलती है गर्मियों में भी नहीं निकलती 21 जून जो कि दुनिया का गर्म तरीन दिन होता है मेरी सालगिरह का दिन भी होता है उस दिन मुझे जैकेट खरीदनी पड़ी इतनी मोटी कि इतनी सर्दी थी तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास नेमत है इसको कैश करें बहुत सारे लोग परेशान हैं नौकरी नहीं मिल रही ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा इंटरनेट पर जाएँ यूडीमी पे जाके कोर्स करें यूट्यूब पे देखें कि आप कैसे छोटे छोटे ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो लोग कर रहे हैं उसमें शिरकत करें ट्रैवल हैकाथॉन करने की मेरी सजेशन है राबिया के ग्रुप को कि ट्रैवल हैकाथॉन करें कि भी हम विंटर में क्या ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस फेस्टिवल्स क्रिएट कर सकते हैं जो इन्होंने किए हैं और भी क्या कर सकते हैं कि जो होटल्स हैं वो फारिग ना रहें और मैं अर्लियर इनको जियोथर्मल के बारे में बता रहा था और अल्टरनेट एनर्जीज के मेथड्स मौजूद हैं उनको किस तरह से हम पाकिस्तान भर में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं जो भी बच्चे फारिग बैठे हैं ना कम से कम ड्रामा देखने के बजाय यूट्यूब पे अपनी प्रॉब्लम्स लिखना शुरू करें जाके आपको सोल्यूशन मिलें और हम वहाँ पे उनका हल निकाल सकें एक चीज़ राबिया से मैं डिस्कस कर रहा था कि अपलिफ्ट करने के लिए वहाँ पर आसान तरीन तरीका जो है वो है कि वहाँ पर फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए फ्री इंटरनेट कैसे होगा और इससे फ़ायदा क्या होगा तो हम इसके ऊपर एक अगली वीडियो बना देते हैं जाके नोट्स भी आ जाएं राबिया के पास और आप लोग भी हमें बताइएगा कि आप इसमें हमारी करने में क्या मदद कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच राबिया थैंक यू रेहान थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट एंड सपोर्ट अगर आपसे और लीडर्स कम्युनिटी में आगे आए हमें प्रोवाइड करें अपनी एक्सपर्टीज तो आई मीन इट वोंट टेक लॉन्ग टू डेवलप थैंक यू सो मच